नियमता। लास्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं सर, सेलिंग टाइम इज लिमिटेड, डू नॉट स्पेंड इट विद फूल्स, कीप योर आईज ऑन द गोल। ये सबसे ज्यादा बर्बादी करते हैं जिंदगी में। याद रखिए, कंपार्टमेंट में मत रहिएगा। या तो डील को वो नो करेगा या मैं नो करके आऊंगा। अपन क्या कहते हैं सर, अभी वो ना पाइपलाइन में है, अभी ज्वाइनिंग आएगी, अभी ज्वाइनिंग आएगी, अभी ज्वाइनिंग आएगी। सर मेरी आधी एनर्जी ना उन आदमियों की लिस्ट खंगालने में चली जाती जिसकी ज्वाइनिंग अभी आनी है और पिछले 4 महीने से नहीं आई। अभी आएगी सर, अभी आएगी सर, अभी आएगी सर। क्यों? मैं उन पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं सर। उसकी ज्वाइनिंग अगर आनी होती तो 48 घंटे के अंदर अंदर आएगी, नहीं तो वक्त लगाएगी। पर आप चैप्टर क्लोज करो। यहां पे किस किस की शादी हुई है? बाकी लोग खुश हैं। अरेंज मैरिज किस किस की हुई है सर? तो मैंने कब कहा कि बाकी आप खुश नहीं हो? मैंने बोला ये आपने खुद माना। मैंने बोला क्या कि ये दुखी है? मैंने बाकी लोग खुश है, तो मैंने ये कब बोला कि आप दुखी हो? मैंने बोली ये बात, ये उन्होंने मानी, ये शब्द होते हैं। अरेंज मैरिज किसकी किसकी हुई है? कितना वक्त लगा था हाँ या ना करने के लिए? कितना वक्त मिला था हाँ या ना करने के लिए? ऑन द स्पॉट। अरे भाई, तो जिंदगी का फैसला ऑन द स्पॉट हो सकता है, तो 1 घंटे गाना गाने के बाद उसका फैसला नहीं हो रहा और आप लगे हुए उसके पीछे। भाई उसने नहीं आना, वो आंसर दे चुका है ना। अपन मानने को तैयार नहीं कि दिल की मानता नहीं। अपन लगे हुए हैं सर। डू नॉट स्पेंड टाइम विद द फूल्स। उसमें डिसीजन नहीं लेना है, अपनी क्लोजिंग करो। क्लोजिंग का मतलब सेल्स नहीं होती, इस बात को समझिए। ये बात मैंने आगे कवर करना, पर यहां पे आ गई है। क्लोजिंग का मतलब सेल्स नहीं होता, क्लोजिंग का मतलब होती है दो। पहला, एक डिसीजन हो जाए, यस या नो, चैप्टर क्लोज। दूसरा होता है क्लोज इन, क्लोज इन, क्लोज इन। What is that meaning? इस चीज को समझिएगा। On an average, एक व्यक्ति को कन्वर्ट करने के लिए 7 encounters लगते हैं। ये लॉ बोलता है कि आप 7 बार किसी से टच बनाएंगे तो वो व्यक्ति कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते आप उसने वो 7 कदम आपने क्लोज इन पर लिए हो। यानी कि मैं, 2 व्यक्ति खड़े हैं मान लीजिए, हम दोनों व्यक्ति उसको समझाने गए, उसने आज प्रोडक्ट ना इससे लिया ना मुझसे लिया, मगर मैं 1 चैप्टर 1 स्टेप क्लोज इन होके आया। मैं उसको बदनाम करके नहीं आया, मैं उसको बुरा भला बोल कर नहीं आया, मैं उसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करके आया हूं। क्लोजिंग तो हो चुकी है कि यस और नो हो गया, मगर मैं 1 स्टेप लेके आया हूं, क्लोज इन, क्लोज इन। अगली बार में अगला क्लोज इन, अगली बार में अगला क्लोज इन, ताकि जब वो व्यक्ति डिसीजन लेने के मूड में आए तो वो उसको चुनेगा जिसको वो पसंद करता है, लाइक करता है और ट्रस्ट करता है, और जो उसके ज्यादा क्लोज इन है वही वो उसका है जो नो करता है, लाइक करता है, ट्रस्ट करता है, और वो उसी के साथ स्टार्ट करने वाला है। सर मैं क्रिप्टो में 3 साल के बाद आया हूं सर, 3 साल। बट इस दौरान क्लोजिंग पे काम चल रहा था, मैं क्लोज हो रहा था उस व्यक्ति के। आपने बहुत से अपने लीडर्स को बोला होगा, भाई मैं 2 साल से सर टच में हूं, ये अब क्लोज हुआ है। सर वो दौरान क्लोज इन पे चल रही थी, ट्रस्ट बिल्ड होने पे चल रहा था। ये एक बारी का गेम नहीं है, ये क्लोज इन होने का गेम है, क्लोजिंग करने का गेम ही नहीं है। हम क्लोजिंग करना चाहते हैं, हमें क्लोज इन होने पर फोकस करना है। Focus on closing.